नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं सटा देश। दोस्तों, भारत माला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में एक बहुत ही बड़ी रोड प्रोजेक्ट आई है। बनारस से हावड़ा के बीच बनने वाले भारत माला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनारस से हावड़ा के बीच बनने वाले इस प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि ओरमांझी से गोला एक्सप्रेसवे का काम 22 जून से शुरू किया जाएगा। मौके पर NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव भी रहेंगे। यह जानकारी NHAI के अफसरों ने दी है। NHAI के कार्यों की समीक्षा करने संतोष कुमार यादव NHAI के कार्यों की समीक्षा करने आ रहे हैं। इस क्रम में इस एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने के मौके पर रहेंगे। इस सड़क के निर्माण के लिए भू अर्जन भी किया जा रहा था। एक्सप्रेसवे का काम रायपुर की कंपनी वर्वरिक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इसकी कुल लागत लगभग 1,214 करोड़ रुपए है। इसमें भू अर्जन सहित अन्य खर्च भी शामिल हैं। यह करीब 28 किलोमीटर लंबा होगा। इसे पुंडाग टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर पहले ही बनाया जाएगा, जो सिकिदरी होते हुए गोला तक जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क का निर्माण चल रहा है। इसके अगले चरण में गोला से जौना मोड़ तक सड़क बनेगी। इसका भी टेंडर फाइनल भी हो चुका है। सड़कें पूरी तरह ग्रीनफील्ड होगी, यानी नई सड़क का निर्माण होगा। यह प्रयास है कि खेत खलिहान से होकर ही सड़कें निकाली जाए। चूंकि इन सड़कों पर तेज गति से वाहन चलेंगे, इसकी स्पीड लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ऐसे में निर्माण में इसका ख्याल रखा जाएगा कि जानवर सड़क पर ना आ सके। जगह जगह पर जानवरों को क्रॉस करने के लिए अंडर पास या ओवर पास भी दिया जाएगा। वहीं गोला से जैना मोड़ तक की सड़क का निर्माण कार्य 1,007 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसका काम गुजरात की कंपनी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इसमें भू अर्जन सहित अन्य खर्च भी शामिल हैं। इसकी लंबाई करीब 32 किलोमीटर की होगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले यह एक्सप्रेसवे को टुकड़ों में बनाया जा रहा है और अलग अलग कंपनियों को देने के कारण यह निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरी हो जाए, NHAI की ऐसी मंशा है। बनारस हावड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने का समय साल 2026 तक दिया गया है। अब ऐसे में देखना यह है कि यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार हो जाता है और बिना किसी अड़चन के यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। बनारस से हावड़ा के बीच बनने वाले यह एक्सप्रेसवे के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।